का आयतन। शंकु एवं बेलन के आयतन के बीच संबंध को समझने के लिए आइए एक क्रियाकलाप करें। समान आधार एवं समान ऊंचाई वाला एक शंकु एवं एक बेलन बनाइए। शंकु को बारीक रेत से भरिए और फिर उसी रेत को बेलन में डाल दीजिए। क्या बेलन रेत से भर गया? बेलन को रेत से भरने के लिए आपको यह प्रक्रिया कितनी बार दोहरानी पड़ेगी? बेलन को पूरा भरने के लिए हमें यह प्रक्रिया 3 बार दोहरानी पड़ती है। इस प्रकार शंकु व बेलन के आधार का क्षेत्रफल एवं ऊंचाई समान होने की स्थिति में बेलन का आयतन शंकु के आयतन का 3 गुना होता है। अतः 3 गुणित शंकु का आयतन बराबर बेलन का आयतन। शंकु का आयतन बराबर 1/3 बेलन का आयतन बराबर 1/3 आधार का क्षेत्रफल गुणित ऊंचाई, क्योंकि बेलन का आयतन आधार यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल एवं ऊंचाई का गुणनफल होता है। अतः शंकु का आयतन बराबर 1/3 गुणित कैपिटल ए गुणित स्मॉल एच, जहां कैपिटल ए आधार का क्षेत्रफल है और स्मॉल एच बेलन की ऊंचाई है। आधार का क्षेत्रफल ए बराबर पाई आर का वर्ग। अतः शंकु का आयतन बराबर 1/3 गुणित पाई आर का वर्ग गुणित एच घन इकाई। बेलन का आयतन जिसके आधार की त्रिज्या आर तथा ऊंचाई एच हो पाई आर स्क्वायर एच होती है। अतः शंकु का आयतन बेलन के आयतन का 1/3 होता है, जिनके आधार की त्रिज्याएं एवं ऊंचाई समान होती है।